तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप लोग का स्वागत है एंसरिंग ऑल क्वेश्चन अबाउट किट 2022 एडिशन। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे तुमको 2021 एडिशन में मिलेगा, जहाँ मैंने लास्ट ईयर ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब दिया था। वो बेसिकली 5 से 6 वीडियो है और 2 लाइव स्ट्रीम है, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना के मैंने रखा हुआ। तो तुम प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि तुम्हारा कोई और भी डाउट है, तुम लोग उसको मेरे डीएम में भेजो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछो या कमेंट करके पूछो। तो बेसिकली अच्छे खासे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बेसिकली उनमें से कुछ क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम मेंबर्स ओनली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, बेसिकली ये मैंने लास्ट ईयर भी एक ग्रुप बनाया था, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम हो गया, वो नंबर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो ग्रुप मेरे को डिलीट करना पड़ा, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, सॉरी। लेकिन कल मैंने एक नया मेंबर्स ओनली व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर तुम वो ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरे चैनल पे जाना है, वहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। 29 रुपीज़ से लेके 159 तक मेरे मेंबरशिप के प्राइस है, जिसमें से अगर तुम 29 रुपीज़ वाला भी लोगे तो तुम्हें मेंबर ओनली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो ये बेसिकली तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें लेना है या नहीं लेना है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मेरा काम था बस ये बताना, मैंने बता दिया। तो चलते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का सबसे पहला सवाल ये है कि मेरे को कमेंट्स में आया, मेरे को टेलीग्राम में पूछा गया कि भैया जैसे मैंने अभी किट में एडमिशन ले लिया, समझिए कोई एक ब्रांच मिला और मैंने 75,000 सब कुछ पे कर दिया, उसके बाद मैंने फेज 2, 3, 4 का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरे को दूसरा ब्रांच मिल गया, तो क्या ये जो 75,000 मैंने पे किया है वो बेकार हो जाएगा? इसका सिंपल आंसर है नहीं। तुमने जो 75,000 पे किया है, अगर तुम्हारा ब्रांच चेंज होगा तो तुम्हें फिर से वो पे नहीं करने का जरूरत है। ये 75,000 बस वन टाइम पेमेंट है, इसमें बेसिकली तुम्हारे जो बुक्स है, जैसे देख सकते हो ये सब जो बुक्स है ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मेरे को कॉलेज से मिला है। इकोनॉमिक्स है, डेटा स्ट्रक्चर है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सी प्रोग्रामिंग, जावा, DBMS, उप्स, हर टाइप की बुक, यही 75,000 जो तुम पे करते हो, तो कॉलेज तुम्हें जिस सेमेस्टर में तुम्हारा जो सब्जेक्ट होता है उस हिसाब से तुम्हारे घर में ये भेजा जाता है। तुम्हारा ब्रांच चेंज हुआ तो तुम्हें फिर से पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सवाल था कि भैया जैसे मैंने 75,000 पे करके अपना सीट बुक कर लिया, उसके बाद जैसे कुछ हुआ प्रॉब्लम से मुझे दूसरे कॉलेज में या कुछ हो गया जिससे मुझे ये कॉलेज छोड़ना पड़ा, तो क्या होगा पैसा का? 3 से 4 महीने का एक कुछ पीरियड होता है, वो बेसिकली तुम्हें वेबसाइट पे पता चल जाएगा। तो उस टाइम पीरियड से पहले अगर, जैसे मैं बोल देता हूँ 1 जनवरी, अगर तुम 1 जनवरी से पहले कॉलेज छोड़ना चाहते हो, ये सब ये मैं अंदाजा लिया हूँ 1 जनवरी, ये कन्फर्म नहीं है, तो उससे पहले तुमने बोला कि नहीं मुझे ये कॉलेज में अभी नहीं ज्वाइन करना, मुझे 1 साल और ट्राई करना है, तो वो बेसिकली तुम्हारा 65,000 तुम्हें वापस मिल जाएगा। उसके बाद जो तीसरा सवाल मेरे से पूछा गया वो है कि भैया बेसिक डिफरेंस क्या है CSE और IT के बीच में। तो देखो, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। मैं बेसिकली गूगल पे जाऊँगा, यही क्वेश्चन तुम्हारा वहाँ पे टाइप करूँगा और जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मेरे से बहुत पढ़े लिखे लोग वीडियो बनाए होंगे, जाओ देख लो, मुझे इस टॉपिक पे उतना नहीं पता। मैं पिछले साल भी बोलता था कि जिस टॉपिक के बारे में तुम्हें कुछ नहीं नॉलेज है या कम नॉलेज है, उस टॉपिक के बारे में बात मत करो। उसके बाद लोग मेरे से पूछते स्कॉलरशिप के बारे में, तो ये मैं 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दो दोस्त है जिनको मिला है तो मुझे पता है। तो जो अभी तुम लोग का एग्जाम हो रहा है, तुम लोग को अभी तो परसेंटाइल दे रहा है, लेकिन जब ये सारा फेज खत्म हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारा रैंक मिलता है। तो जो भी टॉप 1,000 स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है। कितना मिलता है? शायद 60,000 के आसपास, मतलब सेमेस्टर के स्टार्टिंग में उन्हें बोला जाता है कि तुम पूरा भरो, जो 1.75 लाख है वो पूरा भरो। उसके बाद वो दो फैक्टर होता है, अटेंडेंस और तुम्हारा CGPA। अटेंडेंस भी अच्छा है और तुम्हारा CGPA भी अच्छा है, तो तुम्हें शायद 60 या 65,000 के आसपास वापस तुम्हारे बैंक में आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया मैंने इतना क्वेश्चन किया है, इतना गलत हो सकता है, क्या मुझे मिलना चाहिए? तो इस पे अभी तुम लोग 2-3 दिन रुको, 19 तारीख को आ रहा है रिजल्ट, परसेंटाइल देखो और वो बताओ। उससे थोड़ा सा तो थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि हर साल ये चेंज होता है कि कितना पे CS मिल रहा है, कितना पे IT मिल रहा है, तो ये हल्का सा चेंज होता है। तो
रुक जाओ, 19 तारीख को तुम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा इजी होगा अंदाजा लगाना कि तुम्हें क्या मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतने। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने डाउट पूछते जाओ। अगर मेंबर ओनली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो तो बेसिकली क्या करना, मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में। बेसिकली जब तुमने मेंबरशिप खरीदा उसके बाद तुम्हें बस कम्युनिटी पोस्ट जाना, वहां पे मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है, वो सिर्फ मेंबर्स को दिखाई देगा, जहां पे व्हाट्सएप का लिंक होगा, उस पर क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना ग्रुप। तो आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो पसंद आए हो और अगर तुम लोग चाहते हो कि इस चैनल पर मैं गेमिंग वीडियो भी लाऊं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना। आज से हम लोग इस वीडियो से रोड टू 2K स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग बस 120 सब्सक्राइबर दूर है 2K से। आप लोग मदद करें तो हम लोग इसी महीने भी पहुंच सकते हैं या मेरे बर्थडे तक, जो मैं रखा हुआ 29 अगस्त तक 2K पहुंचने का। तो चलो अब लास्ट बार मैं ये बात भी बोल देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट वीक में एक अच्छा खासा 10 से 12 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा और लाइव स्ट्रीम भी आऊंगा, जहां पे अच्छे से तुम्हारे और सारे डाउट क्लियर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, आउट्रो।